तो वहाँ पर क्या हुआ, हमने जब बुलमा बना के भेजा उनको, तो जयपुर से ड्रेस बनी, 7 किस्म की ड्रेस बनी, 4 तो जयपुर में बनी और 3 उड़ीसा से बन के आई। अरे वाह। और गहने आए, गहने बनवाए उनके लिए जी। हनुमान जी वहाँ गए, जब लैंड करा तो खरीद के पूरी की पूरी तोड़ के नए ढंग से मंदिर के रूप में बनाया जी। तो पहला दूसरा फ्लोर जो है वो महाराज को डेडिकेटेड है जी। उसमें रसोई है महाराज के, सब मूर्तियां मैं आपको भेज दूंगा जी जी, मूर्तियां हैं जी। फिर उन्होंने एक मंदिर, फिर ऊपर माँ का कमरा है, भक्तों का कमरा है, वहाँ कुछ जर्मन भक्त हैं जो कि टोटली डेडिकेटेड है। अच्छा, 15-16 को जो बैठे तो उल्म में वो अभी माई जो, हाँ दया माई माँ वही है जो महाराज जी की सेवा में रही। हाँ, वो वैसे वो मेरे ख्याल से उपलब्ध है, उनको उनको अध्यात्म की पूर्णता प्राप्त है। दूसरा विग्रह दादा कहाँ गया? दूसरा विग्रह क्या है, वो जो हनुमान जी थे, इतने सुंदर हनुमान जी, क्या बताऊँ मैं, वो भूमियाधार के पैटर्न में बनवाए थे मैंने, बड़े अच्छा। रुचि से बने थे वो जी। बड़े हनुमान जी, उनकी हाइट तो हमने कैंची वाली रखी, और उनका जो पोस्चर था, उनका जो मुखारविंद था, उनका जो शरीर के गठन था, वो भूमियाधार के अंदाज का था जी। फिर अब कहाँ जाए, तो फिर मेरे मन में आया कि एक उल्म महाराज का जर्मनी में एक मंदिर है, उल्म धाम कहते, मैंने उसका नाम धाम रखा है जी जी, उल्म धाम। हाँ, जर्मनी में उसको भी धाम कहा जी जी, बेला रोड को। उनका भाई धाम क्यों कहते हैं, मैंने कहा जहाँ भगवान निवास करता है वो धाम, उसको धाम हो जाता है। बहुत बढ़िया। तो फिर मैंने उनसे कहा कि आप, एक हनुमान मूर्ति है, आप उसको स्वीकार करेंगे तो मैं यहाँ से भेज दूंगा, ड्रेस के साथ भेज दूंगा। तो वहाँ पर क्या हुआ, हमने जब उल्म बना के भेजा उनको, तो जयपुर से ड्रेस बनी, 7 किस्म की ड्रेस बनी, 4 तो जयपुर में बनी और 3 उड़ीसा से बन के आई। अरे वाह। और गहने आए, गहने बनवाए उनके लिए जी। हनुमान जी वहाँ गए, जब लैंड करा तो कस्टम पड़ा 800-900 यूरो का। अच्छा। फिर पात्र ब्रदर्स बोले प्रभुदा हम पूरा देंगे जी। फिर मैं, मेरी बेटी और मेरी ग्रैंड डॉटर नेदरलैंड से आई, हम तीनों के तीनों उल पहुँचे जी। तो लंदन से मैं 13 तारीख को जी स्टुटगार्ट पहुंचा, एक एयरपोर्ट है जर्मनी में जी। और जब स्टुटगार्ट पहुंचा तो उन्होंने, वहाँ दया भाई माँ हैं जी, एक पहले विष्णु दिगंबर हुआ करते थे, जो महाराज उन और वो दया भाई माँ जो अभी चला रही है, दोनों ने मिल के महाराज के साथ वहाँ प्रवास किया जी। 6 महीना शरीर लीला के पहले कैंची में प्रवास किया जी। और उसके बाद फिर देखो, महाराज जिसको पकड़ते हैं वो तो अंदर बैठ जाते। फिर जब वहाँ पर आप पहुँची, ये लोग पहुँचे तो जर्मनी बनाना शुरू किया, उन्होंने पुरानी बिल्डिंग खरीदी जी। अब बिल्डिंग खरीद के पूरी की पूरी तोड़ के नए ढंग से मंदिर के रूप में बनाया जी। तो पहला दूसरा फ्लोर जो है वो महाराज को डेडिकेटेड है जी। उसमें रसोई है महाराज के, सब मूर्तियाँ मैं आपको भेज दूंगा जी जी, मूर्तियाँ हैं जी। फिर उन्होंने एक मंदिर, फिर ऊपर माँ का कमरा है, भक्तों का कमरा है, वहाँ कुछ जर्मन भक्त हैं जो कि टोटली डेडिकेटेड है जी। उनमें एक ऐसा स्थान है जो कि जहाँ पे सबसे बड़ा गॉथिक कैथेड्रल है। अच्छा। तो स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर है वहाँ पे, अच्छे मतलब डिवोशन करने वाले लोग हैं। तो मैं जब वहाँ उनके वहाँ पहुँचा तो लोग मुझे एयरपोर्ट स्टुटगार्ट लेने आए, फिर वहाँ से ड्राइव करके बड़े आदर से ले गए मुझको, मेरी डॉटर को। 4-5 दिन में जब वहाँ रहा, इतनी सुंदर व्यवस्था है उनके वहाँ जी, इतना साफ सुथरा सब कुछ है, इतनी बढ़िया भावपूर्ण पूजा होती है, सुबह से शाम तक पूजा होती रहती है वहाँ अलग अलग रूप में। अच्छा। और 8 बजे खाना खा के फिर सब इकट्ठा हो जाते, 9-10 बजे तक कीर्तन करते एक कमरे में बैठ के। अरे वाह। मुझे भी मौका मिला उनके साथ बैठने का, मैंने भी थोड़ा बहुत भाग लगाया गाना गाने का। अच्छा गाते हैं, वैसे ही बता रहे हैं भाग लगाया, बहुत अच्छा गाते हैं, बजाते भी अच्छा है। इतना सुंदर वो मतलब वो प्रसाद, बिना लहसुन के, बिना उसके, न अंडा न मांस न कुछ, शुद्ध खाना और वेस्टर्न ढंग से बन रहा है, उसमें ज़्यादा स्पाइसेस तो होते नहीं, लेकिन वेस्टर्न ढंग से अलग अलग कैटेगरी। कब डोसा खाया मैंने वहाँ, इडली खाई। अच्छा।
बड़ा खाया जी, पिज्जा खाई जी, लेकिन सब कुछ शुद्ध सात्विक जी। और फिर महाराज पर मैं काफी बोला वहाँ पे, गुरु भक्ति पे बोला जी, उनकी माँ दयामयी के बारे में बोला जी। और मैंने कहा कि देखिए, फिर उन्होंने इस बीच में एक मंदिर और बनाया जी, जो कि एक हॉल जैसा है। अच्छा। उसमें एक कमरा बड़ा है, महाराज को डेडिकेटेड है, एक विभिन्न देवी देवताओं को है जी, एक डायस है जहाँ माँ बैठती है, बड़ा सा हॉल है जहाँ भक्त लोग बैठ के कीर्तन करते हैं, हफ्ते में एक बार कीर्तन होता है जी। वहाँ पर मूर्ति स्थापित करी। ये तय हुआ था कि मूर्ति जो है हम बनाएंगे तब बैठाएंगे जबकि महाराज की शरीर लीला हुई थी। अच्छा। इस साल 50वां साल हुआ, 50वां साल हुआ, तो उन्होंने 15, 16, 17 को खूब कीर्तन करके, 108 पाठ करके, हनुमान चालीसा का पाठ करके बृहद भंडारा किया। वाह। अच्छा, वहाँ भी अब थोड़ा सा वेस्टर्नाइज तो है ही है, लेकिन वहाँ भी मुझे कहीं प्रेम भाव में कमी नहीं दिखाई दी जी जी। मैंने इतने डेडिकेटेड हैं, बाहर वालों को भी उतना ही श्रद्धा से प्रेम करते हैं, रखते हैं, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा वहाँ पे, और अभी भी उनके टच में हूँ। फिर हनुमान जी की वहाँ स्थापना हो गई उसी मंदिर। हनुमान जी की स्थापना हो गई, मैं अभी आपको, मैंने आपको भेजे फोटोग्राफ जी 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 जी। और जो नया जो 15 तारीख को है उसका मैं भेजता हूँ आपको। अच्छा, 15-16 को जो बैठे तो उल्म में वो अभी माई जो, हाँ, दया माई माँ वही है जो महाराज जी की, हाँ, सेवा में रही। हाँ, वो वैसे वो मेरे ख्याल से उपलब्ध है, उनको उनको अध्यात्म की पूर्णता प्राप्त है जी जी। और सब लोगों को, अपने बच्चों को बिल्कुल, जैसे मैंने कहा, मैंने कहा जैसे हम सिद्धि माँ के साथ रहते थे हमको आनंद आता था जी जी, अभी भी है वैसे तो आनंद माँ के साथ, हमें महाराज के साथ है जी। वो उनके लिए वही भाव है उन भक्तों का जी जी जी। हरिहर है, दिगंबर विष्णु एक नाम गुरु के नाम से रखा, कमलता है, राम रानी हंस है, बहुत सारे नाम हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगा वहाँ पे, और मैं पर्सनली समझता हूँ कि वो आश्रम का बहुत अच्छा भविष्य है, और कभी अगर हमारे भक्त लोग विदेश जाए तो दर्शन जरूर करें, उल्म धाम में जरूर जाए, जरूर जाए, जरूर जाए, जरूर जाए। मित्रों, किसी और देश की यात्रा करेंगे, आपने अभी अब जो शुरुआत है, आपको लंबी यात्रा करवाएंगे।